स्टूडेंट्स, इधर हम करेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। सिंप्लीफाई द सम विद रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड डिवाइजर। क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 × 6। हेयर 2 इज न्यूमिनेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। स्टेप 1 में हम 2 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 12, और 5 जो है वो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इन स्टेप 2 12/5 को हम डिवाइड करेंगे। फॉर डिवीजन हम 12 जो है वो इधर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 × 2 = 10। 12 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। अब 5 के टेबल में 2 तो कहीं भी नहीं आता, तो 2 जो है ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है, विच इज़ नोन एज रिमाइंडर। अब इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के क्या तरीका है, वो ये है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो डिवाइज़र वाली जगह पर आ जाएगा, डिवाइज़र पार्ट जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो क्वोशेंट है हमारा उसे हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो।